नमस्कार। अभी तक हमने प्रायिकता के अभिग्रहों को समझा है एवं को घटनाओं के आधार पर, अर्थात हमने अब तक जो किया है वह यह है कि हमारे पास एक यादृच्छिक परीक्षण है। इस यादृच्छिक परीक्षण से हमने एक दश एक प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण किया है। इस प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय घटनाएं कहलाते हैं, जिनसे घटना समष्टि उत्पन्न होता है। यह घटना समष्टि, इस घटना समष्टि एवं प्रतिदर्श समष्टि पर हम प्रायिकता परिमाण को परिभाषित करते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी मेजर कहते हैं। यह प्रतिदर्श समष्टि की घटनाओं को शून्य से एक के बीच एक प्रायिकता प्रदान करता है। हमने प्रायिकता को देखा है जहाँ एक घटना दूसरी घटना के होने पर निर्भर करती है, एवं हमने स्वतंत्र घटनाओं को देखा है जहाँ एक घटना दूसरी घटना के होने पर निर्भर नहीं करती है। यह सब कुछ हमने घटनाओं के बीजगणित में देखा है। घटनाओं का बीजगणित हमारे द्वारा पढ़े गए यह हमने देखा है कि घटनाओं का बीजगणित छोटी कक्षाओं में बताए गए समुच्चय बीजगणित का ही एक परिष्कृत रूप है। यह सब हमने जाना है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि समुच्चय बीजगणित हालांकि सरल है, किंतु समुच्चय बीजगणित साधारण बीजगणित, जिसे हम एलजेब्रा कहते हैं, जितना सरल भी है या उतने प्राकृतिक रूप से हमें समझ नहीं आता जिस रूप से हमें साधारण बीजगणित समझ आता है। तो समुच्चय बीजगणित एवं समुच्चय बीजगणित में हमें हर घटना को एक समुच्चय के रूप में देखना पड़ता है, जो कि कई बार प्राकृतिक नहीं और कई बार वह इतना सरल भी नहीं रहता। अब हम यह जानते हैं कि समुच्चयों को समझने के स्थान पर हम संख्याओं को अधिक सरलतापूर्वक अथवा समुच्चयों के स्थान पर के स्थान पर हमारा मस्तिष्क संख्याओं को अधिक प्राकृतिक रूप से समझता है। जानते हैं कि समुच्चयों के स्थान पर हमारा मस्तिष्क संख्याओं को अधिक प्राकृतिक रूप से समझता है, अथवा यदि हमें कोई बात संख्याओं के रूप में समझाई जाए तो वह हमारे लिए समझना अधिक सरल रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने
प्रायिकता, अब जब हमने घटनाओं, समुच्चयों, इन सब बातों को समझ लिया है, अथवा हमने घटनाओं को समुच्चयों के रूप में देख लिया है, तब अथवा प्रायिकता के सिद्धांत को और समझने के लिए प्रायिकता के सिद्धांत के नए सिद्धांत अथवा प्रायिकता के सिद्धांत के नए नियम समझने के लिए हमें प्रायिकता का एक सांख्यिकीय रूप देखना होगा, जहाँ हम घटनाओं एवं घटनाओं को रूप में देखेंगे। हमने यह जाना है कि प्रायिकताओं, घटनाओं, इन सब के लिए हम समुच्चयों की बात करते हैं एवं उन समुच्चयों पर प्रायिकता परिमाण लगाकर हम प्रायिकता को एक संख्या देते हैं। अब हम घटनाओं को भी संख्याओं में देखने का एक प्रयास। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संख्या हमारे मस्तिष्क द्वारा समझा जा सकने वाला गणित का सरलतम सिद्धांत है। हमारा मस्तिष्क मूल रूप से गणित के हर सिद्धांत को संख्याओं के रूप में समझने का प्रयास करता है, एवं यदि हम किसी भी सिद्धांत को संख्याओं के रूप में समझा सकते हैं, तो वह उस सिद्धांत को सरल कर देता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम घटना समष्टि का एक सांख्यिकीय रूप, हम घटनाओं का घटना समष्टि का हम परीक्षण के परिणामों का एक सांख्यिकीय रूप प्रस्तुत करेंगे। हम यह देखते हैं कि जब हम कोई भी यादृच्छिक परीक्षण करते हैं, तो हम उस परीक्षण के परिणामों के साथ संख्याएं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हम 2 पासे उछालते हैं, 3 पासे फेंकते हैं, तो हमारी रुचि उन पासों के कुल जोड़ में रहेगी। यदि हम 2 पासे फेंकते हैं, हम कोई खेल खेल रहे हैं जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, हम 2 पासे फेंकते हैं, तो हमारी रुचि सदा उन 2 पासों के जोड़ में रहती है। हम यह नहीं कहते कि यदि हमारे पास 7 आया, मान लीजिए 7 आया, यदि हमारे पास 7 आया तो हमारी रुचि इस बात में नहीं रहेगी कि वह 7 1 6 से आया, अथवा 2 5 से आया, अथवा 3 4 से आया, 4 3 5 2। 5 फेंकने पर अंक 7 इन 6 कारणों अथवा 5ों के यह 6 इन 6 रूपों में हमारे पास अंक 7 आ सकता है। किंतु जब हमारे पास 7 आता है, हमारी रुचि इसमें है कि 7 आया है। हम यह नहीं जानना चाहते कि वह 7 इस रूप में आया है, अथवा इस रूप में आया है, अथवा किसी अन्य रूप में आया है। अंक 7 है, हम उसे एक संख्या के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार यदि हम 3 सिक्के उछालते हैं, तब हम यह जानना चाहेंगे कि 1 सिक्के पर चिताया, 2 सिक्कों पर चिताया, अथवा 3 सिक्कों पर चिताया। हमारी रुचि यह जानने में बहुत कम रहेगी कि पहले सिक्के पर चिताया, दूसरे सिक्के पर चिताया, अथवा तीसरे सिक्के पर चिताया। यही बात हम यदि उन सिक्कों को 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितनी बार भी उछालेंगे, जैसे जैसे हम सिक्कों को उछालने की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी रुचि संख्या में अधिक एवं उन चित्तों की संख्या में अधिक एवं वह किस रूप में सामने आई में कम रहेगी। अथवा हम यादृच्छिक परीक्षण
परीक्षणों के परिणाम को भी संख्याओं में अधिक रहती है, न कि उस परीक्षण के उप परीक्षणों के परिणामों के अनुक्रम। हमारी रुचि उन संख्याओं में है, उन पासों की संख्याओं के अनुक्रम में नहीं। यही हमें यादृच्छिक, इसी बात का प्रयोग करके अथवा इसी तथ्य का प्रयोग करके हम यादृच्छिक चरों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं, अथवा यही तथ्य हमें यादृच्छिक चरों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है कि हम संख्याओं को अधिक सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। अब यही संख्याएं जो कि प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों अथवा उस परीक्षण के परिणामों के फलन के रूप में हमें मिलती हैं यादृच्छिक चर। यही संख्याएं जो कि हमें प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों, जो कि मुख्य रूप से उस परीक्षण, उस यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम हैं, उनके किसी फलन के रूप में मिलती हैं, यही यादृच्छिक चर कहलाती हैं। मान लीजिए मैं 3 सिक्के एक बार उछालता हूँ, मैं इसे 3 उप परीक्षणों में बांट लेता हूँ। मैं 1 सिक्का 3 बार उछालता हूँ एवं मैं परिणाम स्वरूप प्राप्त की संख्या 1 चर एक्स द्वारा प्रदर्शित ठीक है। अब मैंने 3 सिक्के उछाले, या मैंने 1 सिक्के को 3 बार उछाला। इसके परिणाम यह हो सकते हैं कि एक्स की भाषा में यह हो सकता है कि का प्रतिदर्श समष्टि बनाते हुए मैं यह देखता हूं कि यह हो सकता है कि 3 पटाएं
यहाँ पर यह इसका प्रतिदर्श समष्टि, यह तीन सिक्कों को एक बार में उछाले जाने के हमारे यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है। यह देखना हमारे लिए सरल है कि यहाँ पर x शून्य है, यहाँ x एक है, यहाँ x दो है एवं यहाँ x तीन है। यह देखना हमारे लिए सरल है कि यदि मैं आए चित्तों की संख्या x द्वारा प्रदर्शित करता हूँ, तब उसी प्रकार से यदि मैं कहता हूँ कि y आए पटों की संख्या है, तब मैं यह भी कह सकता हूँ तीन घटा x, यह सरल है, एवं इसी प्रकार मैं कोई भी अन्य संख्या इस प्रतिदर्श समष्टि पर परिभाषित कर सकता हूँ। मैं कोई भी अन्य संख्या अथवा यह भी कह सकता हूँ कि एक तीसरा यादृच्छिक चर z, यह एक होगा जब पहले परीक्षण के परिणाम में एक चित आएगा, अन्यथा यह शून्य होगा। तब शून्य एक शून्य एक एक, इस प्रकार मैं कोई भी चर परिभाषित कर सकता हूँ जो कि इस प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों के लिए अथवा जो भी उस परीक्षण के संभव परिणामों के लिए मुझे एक संख्या देगा। अब यह समझने के उपरांत कि एक चर, अब हमारे सामने यह देखना आवश्यक है कि यह चर x, y, z ऐसे चर हैं जो यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम पर आधारित एक संख्या का मान धारण करते हैं। यादृच्छिक चर ऐसे चर हैं जो कि यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम पर आधारित एक संख्या का मान धारण करते हैं। यह एक सरल परिभाषा है, यह यादृच्छिक चर की औपचारिक परिभाषा नहीं है। हम पहले यादृच्छिक चर को समझेंगे, फिर इसकी औपचारिक परिभाषा देंगे। हम यह भी देख सकते हैं कि एक यादृच्छिक चर यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम पर आधारित एक संख्या का मान धारण करता है। यादृच्छिक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम पर आधारित संख्या का मान धारण करता है, यही मैंने दोबारा कह दिया। अब हम एक यादृच्छिक चर की औपचारिक परिभाषा देने की स्थिति में हैं। यादृच्छिक चर परिभाषा, एक यादृच्छिक चर प्रतिदर्श समष्टि से वास्तविक संख्याओं
के समुच्चय पर एक फलन है जो किसी भी परीक्षण के परिणामों को वास्तविक संख्याओं के मान प्रदान करता है। एक यादृच्छिक चर प्रतिदर्श समष्टि से वास्तविक संख्याओं का एक फलन है जो कि किसी भी परीक्षण के परिणामों को वास्तविक संख्याओं के मान प्रदान करता है। अंग्रेजी में यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल कहलाता है एवं इसकी अंग्रेजी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। रैंडम वेरिएबल इज अ मैपिंग और अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू द रियल लाइन और द सेट ऑफ रियल नंबर्स that assigns real values to the outcomes of an गणितीय रूप से हम एक यादृच्छिक चर x को दिखा सकते हैं जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब हम यहाँ यह देख सकते हैं कि एक यादृच्छिक चर का मान उसके जनक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए हम एक यादृच्छिक चर के विभिन्न मान धारण करने की भी हम यह देखते हैं कि एक यादृच्छिक परीक्षण पर जब हम एक यादृच्छिक चर परिभाषित करते हैं तब वह यादृच्छिक चर मूल रूप से एक यादृच्छिक चर मूल रूप से एक ऐसा फलन है जो हमारे प्रतिदर्श समष्टि को वास्तविक संख्याओं
के समुच्चय में जो हमारे प्रतिनिधि समष्टि को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिवर्तित कर देता है, अथवा अब एक यादृच्छिक चर से गुजरने के पश्चात हमारा प्रतिदर्श समष्टि असल में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही हमारा प्रतिदर्श समष्टि है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ मेरे लिए यह बोलना आवश्यक है कि असल में यह जो दो शब्दों का समूह है, यादृच्छिक चर, यह नाम यादृच्छिक चर असल में एक विरोधाभास है। यह अथवा यह नाम यादृच्छिक चर असल में ठीक नहीं है, किंतु हम इसे फिर भी यादृच्छिक चर ही कहेंगे। हम यह समझते हैं कि हमने यह देखा कि एक यादृच्छिक चर असल में एक फलन है, अथवा यादृच्छिक चर असल में एक चर नहीं, एक फलन है जो कि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम को एक संख्या का मान देता है अथवा एक संख्या बनाता है। तो यादृच्छिक चर असल में एक चर नहीं, एक फलन है। दूसरा, यह यादृच्छिक नहीं है, यह निर्धारणात्मक फलन है। यह निर्धारणात्मक फलन है। इसे एक यादृच्छिक चर के नीचे अथवा एक यादृच्छिक चर के पीछे, आप जैसे भी उसे समझना चाहें, जो यादृच्छिक परीक्षण चल रहा है वह यादृच्छिक है। इसके पीछे चलने वाला परीक्षण चर के पीछे चलने वाला परीक्षण यादृच्छिक है, चर यादृच्छिक नहीं है। यह चर उस परीक्षण के किसी परिणाम को एक वास्तविक संख्या का मान प्रदान करता है। एक परीक्षण को एक ही वास्तविक संख्या, एक परिणाम को एक ही वास्तविक संख्या का मान मिलेगा। यह नहीं है कि आपके परीक्षण के परिणाम स्वरूप आपके पास, मान लीजिए हम उसी सिक्कों के उछालने के परीक्षण की बात करते हैं, उस सिक्कों को उछालने के परीक्षण के परिणाम स्वरूप आपके पास यह आया, मान लीजिए। अब इसका मान सदा परिभाषित किए थे, अब x का मान सदैव दो ही रहेगा। यह नहीं होगा कि x का मान कभी एक, इस परिणाम के आने पर x का मान कभी एक हो जाए, कभी तीन हो जाए, कभी शून्य हो जाए, कभी 1542 हो जाए। 1542 हो नहीं सकता, किंतु मान x का परिणाम सदैव दो ही रहेगा। अथवा यह जो यह प्रतिदर्श समष्टि से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक जो फलन है, यह निर्धारणात्मक है, यह निर्धारित ही रहेगा। तो हमने यादृच्छिक चर को जान लिया है, हमने यह समझ लिया कि एक यादृच्छिक चर, यह नाम यादृच्छिक चर कुछ
प्रकार से एक विरोधाभास है, क्योंकि यह ना तो यादृच्छिक है, यह निर्धारणात्मक है एवं यह एक फलन है। हम यह एक फलन है हम कई बार कह चुके हैं। अब हम अपनी पिछली परिभाषा पर वापस आते हैं, अथवा हम अपने पिछले जो हमने अपने पिछले कथन पर जो हमने यादृच्छिक चर को एक विरोधाभास बोलने से पहले कहा था उस पर वापस आते हैं। अब क्योंकि एक यादृच्छिक चर का मान उसके जनक यादृच्छिक परीक्षण द्वारा होता है, हम यह निर्धारित है, जैसा कि हमने पहले कहा था, हम एक यादृच्छिक चर के विभिन्न मान धारण करने की प्रायिकताओं की गणना भी कर सकते हैं। हम एक यादृच्छिक चर के विभिन्न मान धारण करने की प्रायिकताओं की गणना भी कर सकते हैं, अथवा हम यह कह सकते हैं क्योंकि अब हमारा प्रतिदर्श समष्टि मूल रूप से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम उस यादृच्छिक चर के विभिन्न संख्याओं, हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को एक अपने प्रतिदर्श समष्टि के रूप में देख सकते हैं एवं उनसे प्रायिकताओं की गणना कर सकते हैं। उदाहरणतः जो हमने तीन सिक्के उछालने वाला उदाहरण लिया था, यदि हम पूर्व परिभाषित यादृच्छिक चर x को देखें, यदि हम पूर्व परिभाषित यादृच्छिक चर x को देखें, तब हम यह देखेंगे कि x के शून्य होने की प्रायिकता असल में तीनों पट आने की घटना, x के शून्य होने का अर्थ है तीन सिक्के उछालने पर तीनों पट आना, अथवा x के शून्य होने की घटना का अर्थ है तीनों पट होने की घटना, अथवा इसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं 1/8। इसी प्रकार से x के एक होने की घटना का अर्थ है यह घटना जो कि बराबर होगी 3/8। इसी प्रकार x बराबर 2 बराबर है प्रायिकता यह एवं 3/8। अब हम यह देख रहे हैं कि तीनों प्रायिकताएं शून्य से एक के बीच हैं, यह तीनों प्रायिकताएं शून्य से एक के बीच हैं,
यदि हम यह घटना माने कि x शून्य एक दो तीन कोई भी मान धारण कर सकता है, अथवा हमारा प्रतिदर्श समष्टि x को घटना मानते हुए या x को परीक्षण का परिणाम मानते हुए हमारा प्रतिदर्श नया प्रतिदर्श समष्टि जिसे मैं s प्राइम कह रहा हूँ यह है, तो इसके होने की प्रायिकता हम सिद्ध आसान है सिद्ध करना कि इसके होने की प्रायिकता एक होगी, क्योंकि इस घटना के होने का अर्थ है इन सभी घटनाओं का एक साथ होना, जो कि इन सभी घटनाओं में से किसी एक का होना जिसकी प्रायिकता एक होगी, अथवा प्रायिकता का दूसरा अभिग्रह भी यह प्रायिकता के दूसरे अभिग्रह का भी पालन करती है। एवं हमने यह देखा कि x शून्य एक, x बराबर दो, x बराबर तीन परस्पर यह परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यह हम देख सकते हैं। तथापि हम यह कह सकते हैं कि प्रायिकता आई बराबर शून्य से तीन, एक्स बराबर आई बराबर है एक, अथवा प्रायिकता के तीसरे अभिग्रह का भी पालन हो गया। यादृच्छिक चरों पर परिभाषित प्रायिकताएं प्रायिकताओं के अभिग्रहों का पालन करती हैं। साधारणतः हम यादृच्छिक चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे x, y, z द्वारा साधारणतः हम इसे हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल हम यादृच्छिक चरों के फलनों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।